अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें कांग्रेस में, काफी बार सुनने में आ रहा है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनकी बैठक एक कार्यकारिणी की घोषणा के बाद उनकी बैठक भी नहीं हो पाई है, क्या वजह है? नहीं, कांग्रेस में कभी भी अल्पसंख्यकों की उपेक्षा नहीं हुई है। हम देखें, अभी पहली बार भोज यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो एक अल्पसंख्यक भोपाल से बना है। जब गवर्नर बनाने का मामला आया तो अजीज कुजी साहब उत्तराखंड के गवर्नर बने हैं। हमारा पार्टी के अंदर आरिफ भाई एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और भी अहदों पे बहुत से लोग हैं। तो कभी भी कांग्रेस कभी ये कर ही नहीं सकती। कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यकों का भरोसा कांग्रेस पर रहा है और कांग्रेस का भरोसा अल्पसंख्यकों पर रहा है, इसलिए ये सब चोली दामन का साथ है। इसलिए कभी भी उपेक्षा होने का सवाल ही नहीं। कई चीज़ें कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग में छूट सकती हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन कभी भी कांग्रेस जो केंद्रीय नेतृत्व हमारा मनमोहन जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में सच्चर कमेटी की वहाँ रिपोर्ट दी है जिसमें अल्पसंख्यकों को हित की बात है। 15 सूत्री कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री के हैं वो पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के हित में है। भोपाल से जदा के लिए जो इंटरनेशनल फ्लाइट चलना थी, एयरपोर्ट बनना था, ये सब कांग्रेस ने किया है। यहाँ एयरपोर्ट है, लोग अब सीधे जाते हैं। मुझे याद है कि जब पंजाब मेल और दूसरी गाड़ियों में जाते थे रिजर्वेशन नहीं मिलता था, परिवार वाले बॉम्बे छोड़ने जाते थे, वो स्थिति बदल गई। आज सीधे यहाँ पे ताजुल मसाजिद से जाते हैं एयरपोर्ट बस से, और अपनी फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधे वहाँ जाते हैं, और जदा से जब लौटना होता है सीधे भोपाल आते हैं। ये सब एक दिक्कतों का जो वो समय था वो दूर हुआ है, और ये सब कांग्रेस की जो दिल्ली की सरकार है उसके नेतृत्व में हुआ है। दिल्ली के भी कई बार घोटाले अभी काफी एक के बाद एक उजागर हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कहीं उन घोटालों का असर यहाँ मध्य प्रदेश में तो नहीं पड़ने वाला? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो घोटाले होते हैं तो कांग्रेस हाईकमांड ने, प्रधानमंत्री जी ने, सोनिया जी ने, जो भी लोग इस तरह के इन्वॉल्व हुए हैं, जाँच के बाद उनको वहाँ से हटा दिया है। और ये जब तक कि जाँच होकर किसी को सजा नहीं हो जाए हम उसको घोटालों की संज्ञा नहीं दे सकते। और जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसी स्थितियां हैं और दिल्ली में कोई बात होती तो उसका ऐसा कोई फ़र्क यहां पड़ेगा नहीं, और हमको लाभ मिलेगा वहां दिल्ली से कि जो 16 सूत्री जो प्रोग्राम है, जो ध्वजवाहिनी योजना है, उन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपया अरबों रुपया मध्य प्रदेश की सरकार को, केंद्र की कांग्रेस सरकार ने दिया है, इसको हम चारों तरफ प्रचारित कर रहे हैं। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू योजना हो जिसके तहत गरीबों को मकान मिलना है, चाहे BRTs की योजना है जिससे ये बसों की सर्विसेज अच्छी हों, उस उद्देश्य से जो पैसा दिया गया है, जो मनरेगा महात्मा गांधी योजना के तहत गाँव में रोजगार देने की बात है, या मध्यान्ह भोजन, ये सब पूरी, या एक बात जो मुख्यमंत्री बार बार प्रचारित करते हैं कि 1 रुपया किलो हम गेहूँ दे रहे हैं, 2 रुपये किलो चावल देंगे, पर मैं बताना चाहता हूँ लोगों को और मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि सच को कम से कम सच कहो। इसके लिए 18 रुपये की गेहूँ पर सब्सिडी केंद्र सरकार की है और 22 रुपये की सब्सिडी चावल पर केंद्र सरकार की है। इन चीज़ों को भी बोलो, आप तो केवल 1 रुपये दे रहे हो लेकिन केंद्र सरकार 18 रुपये और 22 रुपये गेहूँ और चावल के लिए सब्सिडी दे रही है, कहीं न कहीं इसका भी जिक्र करें। ये सब जो कुछ भी हो रहा है मध्य प्रदेश में, जो कुछ भी आज विकास की बात हो रही है, या कहीं ये 24 घंटे बिजली देने की बात कहते हैं, तो ये भी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना दिल्ली का पैसा है जिसकी वजह से ये बात कर रहे हैं, लेकिन इसको कानून में परिणत कर पाएं। आज कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही। रेल पर मैं यही जानना चाहूंगी कि अभी रेल मंत्री वाला मुद्दा काफी चर्चा में है, उसके बाद भी सुनिया जी बार बार कह रही है कि उनका इस्तीफा नहीं होगा, क्यों? उसकी वजह यह है कि इसमें कहीं पे भी रेल मंत्री पे डायरेक्ट आक्षेप नहीं लगा है, और बात अभी बार बार आ रही थी, बार बार आ रही उनके भांजे की तो भांजे के को CBI ने पकड़ के सीधे जेल भेज दिया है, उस मामले की जाँच हो रही। कहीं पे भी अगर मामला मंत्री का आया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस हाईकमांड उसके खिलाफ एक्शन लेगा। इससे एक चीज़ और प्रूव हो रही है, जो बार बार BJP कहती है कि CBI जो है कांग्रेस की कठपुतली है। अगर कांग्रेस की कठपुतली होती तो एक मंत्री के भतीजे और भांजो कैसे पकड़ पाती? तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना भी इस मामले में सिद्ध हो गया कि ये झूठ प्रचार करती है। कहीं पर भी CBI पे कांग्रेस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल नहीं।
मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं की बात करें तो कितना दोषी मान रहे हैं सीएम को और गृह मंत्री को? पूरी तरह से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि बेटी बचाओ, किस तरह की बेटी बचाओ? आज मध्य प्रदेश के अंदर नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। भोपाल में काजल का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, 8 टुकड़े कर दिए गए। उसके बाद अभी करोद में हुआ, 5 नंबर पे हुआ, वहाँ बेलखिरिया में हुआ, एक के बाद एक घटनाएं आ रही। मध्य प्रदेश में सिवनी में बच्ची की डेथ हो गई, उसका इलाज नहीं करा पाई सरकार। और यहाँ अभी आस्था की एक बच्ची की डेथ हो गई, यहाँ कमला नेहरू सुल्तानी अस्पताल में उसको एडमिट किया गया था। तो ये अगर आप बेटी बचाओ की बात कर रहे हो तो ये इन सब चीज़ों को, प्रवृत्तियों को रोको, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और गृह मंत्री के घर के 100 फीट दूर काजल के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो पार्ट हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, इनका युवा मोर्चा हो या दूसरे हों, ये इन लोगों का शासन पे, पुलिस पे इतना दबाव होता है, ये ऐसे गलत मामलों में भी लोगों को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन और प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पाता, उसकी परिणति ये है। और पिछले 5-7 सालों में 10 सालों में जो एक लोगों का में जो मानवता खत्म हुई है, जिस तरह का मामला हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी वो संस्कार लोगों में नहीं डाल पाई, क्योंकि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोग हर मामले में परेशान हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज पे इन सब चीज़ों के असर पड़ रहे हैं। और मैं इन सब चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और उनके गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता को दोषी मानता हूँ, क्योंकि कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त है। और यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति क्राइम के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि पिछले बार चुनाव में टिकट वितरण एक बहुत बड़ा कारण था हारने का, कांग्रेस के हारने का मध्य प्रदेश में, तो इसको सुधारने के लिए आप कांग्रेस में? इसको सुधारने के लिए पूरी मैसेज हमारे नेता कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी दे चुके हैं। और उन्होंने कहा कि हम नीचे से हर तरह से सर्वे करा के, जो मैंने कहा कि जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसकी तलाश की जाएगी, हर क्षेत्र में एक कैंडिडेट, 230 क्षेत्रों में जीतने वाले कैंडिडेट एक या दो वहाँ पर हैं, उसको सर्च करके उसको टिकट दी जाएगी। हम लोग ब्लॉक अध्यक्ष और जिला से ऐसे नामों को आगे प्रेषित करेंगे, पीसीसी उनको स्क्रीन करके दिल्ली हमारे हाईकमांड को भेजेगी, और निश्चित तौर पर एक क्रीम जो होगा उसको टिकट दी जाएगी, और जब क्रीम चुनाव लड़ेगा तो कांग्रेस की फतह होगी। धन्यवाद पीसी जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमसे इतनी सारी बातें शेयर की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी AMS की खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।